नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ब्रोकन जी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। दोस्तों, आज के दिन हमें इस स्टॉक में 5.5% का एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। दोस्तों, लास्ट 3-4 डेज से कंटिन्यू हमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले इस स्टॉक की प्राइस चल रही थी 290 और अभी चल रही है 252। दोस्तों, वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी न्यूज है या फिर ऐसा कौन सा रीजन है जिस वजह से हमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और हमें किस प्राइस पर इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए और कितना परसेंट का टारगेट लेके चलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जहां हम आपके लिए कहते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में लॉस होने से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है तो नीचे दिए गए लिंक के साथ आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और अगर डीमेट अकाउंट ओपन करने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जिससे आपकी हेल्प हो सके। दोस्तों, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक की भी प्राइस चल रही है 252.85, और आज के दिन हमें इस स्टॉक में पूरा 5.5% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। दोस्तों, 3 मंथ पहले यानी कि अप्रैल 2021 में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक की प्राइस चल रही थी 160 और जून में इसकी प्राइस आ गई 300, यानी कि अप्रैल, मई और जून ये 3 मंथ में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक ने 100% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, मई या फिर जून में राकेश झुनझुनवाला ने भी इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के 50 लाख शेयर बाय किए हुए हैं, यानी कि राकेश झुनझुनवाला ने 2.17 की होल्डिंग बनाई हुई है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि हमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को क्यों मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो हमें एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मिड कैप में हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इस वजह से इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में भी हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पर्पज से अपने पोर्टफोलियो में एड करके चलना चाहते हो तो आप बिंदास रहिए और बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में जरूर एक अच्छा अपट्रेंड देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर सिर्फ मिड कैप डाउन आने की वजह से ही हमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में भी डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, और मिड कैप के सभी स्टॉक में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे ही मार्केट में एक अपट्रेंड आएगा, मिड कैप के स्टॉक में अपट्रेंड आएगा, तो हमें इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक में भी एक अच्छा अपट्रेंड देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।